अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद असिफ, आप देख रहे हैं जुनून वर्ल्ड और आज मैं हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम जिस चीज़ को वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है डेनी का 1000 mAh पावर बैंक, जो कि एक नया मॉडल आया है और ये पुराने मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है। आज हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है पुराने मॉडल से और इसके जो फीचर्स और इसके स्पेसिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे, इसको अनबॉक्स करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। आपको सामने नज़र आ रहा है स्पायरो इसका जो मॉडल नेम है और सामने आपको प्रीमियम मॉडल नज़र आ रहा है और ये 3-in-1 केबल फॉर ऑल फोन्स है। 2.1 एम्पेयर चार्जिंग आउटपुट है, ड्यूरेबल हैंगिंग स्ट्रैप है और ड्यूल इनपुट आउटपुट्स हैं। दोस्तों ये ड्यूरेबल हैंगिंग स्ट्रैप जो है ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, आपको आप हैंड कैरी कर सकते हैं बहुत आसानी से इसको। ये 10000 mAh है और साथ में आप देख सकते हैं ये 3-in-1 जो डाटा केबल्स हैं इसके अंदर, एक डाटा केबल है और 3 micro USB हैं और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक एंड्रॉयड है, एक आईफोन है और एक टाइप सी micro USB है, जो कि नई डेवलपमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये एक नई डेवलपमेंट है और अच्छी डेवलपमेंट है, जो कि मैकबुक एप्पल के जो लैपटॉप है वगैरह है उसके अंदर ये टाइप सी जो micro USB है वो उसको चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है और ये से आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। और एप्पल के जो एप्पल iPhone 7 से ऑनवर्ड जो इसके मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर भी टाइप सी जो micro USB है उसे चार्ज होता है। और आप साइड पे देख सकते हैं इसका जो है सीरियल नंबर लिखा हुआ है और आप इसको देख सकते हैं एक साइड की शेप और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक उन्होंने वारंटी जो बताई हुई है 1 year warranty वो लिखा हुआ है। और आगे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट एक इसका डिस्प्ले है और वही सारी चीज़ें फीचर्स मैं बता रहा था उधर के। 10000 mAh का है, 2.1 एम्पेयर इसका आउटपुट है और नीचे जो ड्यूरेबल हैंगिंग स्ट्रैप वगैरह सब कुछ। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये हो गया है ओपन, आप देख सकते हैं सामने इसकी शेप। मैं इसके हैंगिंग स्ट्रैप से इसको बाहर निकालूंगा और ये आ गया है बाहर, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी शेप है इसकी, बहुत सी छोटी सी माकूल सी शेप है। 10000 mAh का है लेकिन इसकी शेप जो है वो बहुत छोटी है और आप इसको आसानी से हैंड कैरी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं सामने इसका जो चमक रहा है वो है डिजिटल इंडिकेटर, आप वो देख सकते हैं। इसकी 2 आउटपुट्स हैं डेटा केबल की भी और micro USB की भी 2 पोर्ट्स हैं, एक टाइप सी की और एक एंड्रॉयड वगैरह की। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल सा लग रहा है। आप चले आके देख लेते हैं इसकी जो केबल्स हैं, केबल्स को हम निकालते हैं जो कि इसकी मेन इसकी जो डिफरेंस इस जिसके अंदर ये था इसका जो पुराने मॉडल से, ये देखें इसके साथ उन्होंने 3-in-1 केबल है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर टाइप सी केबल भी है जो कि आपको नज़र आ रही है। चलें इसको भी अभी देख लेते हैं बाद के अंदर, इसके अंदर देख लेते हैं और इसके डब्बे के अंदर उन्होंने क्या चीज़ दी हुई है इसके अंदर देख लेते हैं। ये देखें सामने आपको इसका वारंटी कार्ड नज़र आ रहा है, ये 1 year warranty card है, ये 1 year warranty card है और ये 2020 सितंबर 2020 को एक्सपायर होगा 30 सितंबर 2020 को। और ये आप इसके अंदर जो भी इसको कोई मसला बनता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं ये काम कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा और मैं आपको इसका दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे इसको जो इसका इन जो USB डेटा केबल पोर्ट है उसके अंदर इसका USB लगाएंगे और साथ में एंड्रॉयड का मोबाइल है जिसके साथ इसको अटैच करूँगा और आज जैसे ही अटैच करेंगे तो ये एंड्रॉयड मोबाइल चार्जिंग करना शुरू कर देगा और साथ ही इसका इंडिकेटर जो मैं बता रहा था डिजिटल इंडिकेटर है इसके साथ वो आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कि आपका पावर बैंक कितने परसेंट चार्ज है। ये 35% चार्ज है और ये जो 35% चार्ज है पावर बैंक, ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये 100% चार्ज हो तो ये 4000 mAh के 2.5 मोबाइल चार्ज कर सकता है आसानी से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा। और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।